देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पूरे देश में चर्चा में हैं। अमित शाह अपने जबरदस्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी अमित शाह ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अचानक हलचल मच गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने BSF यानी सीमा सुरक्षा बल की ताकत बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया तो कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। हालांकि ये फैसला देश के हित में है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश के दो राज्य जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय का ये फैसला कितना अहम है और क्यों इसको लेकर बवाल मच रहा है। दरअसल गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में BSF का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक का होगा। इन तीन राज्यों में पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर का था। इसका मतलब ये हुआ कि BSF के अधिकारी पुलिस की तरह ही तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी 50 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इसके लिए BSF को अब केंद्र या राज्य सरकारों से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार BSF के पास इस दायरे में पासपोर्ट एक्ट, NDPS एक्ट, कस्टम्स एक्ट, CRPC आदि के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। ये व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू होगी। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर हमारे पास किसी मामले में खुफिया जानकारी है तो हमें स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। इन तीन राज्यों के अलावा कुछ और राज्यों में भी BSF के अधिकार क्षेत्र को लेकर बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में BSF के अधिकार क्षेत्र में 30 किलोमीटर की कटौती की गई है। पहले गुजरात में BSF का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर तक का था और राजस्थान में BSF के अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो अभी भी 50 किलोमीटर तक का ही रहेगा। तो वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको बता दें कि BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दखल देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये दो राज्य बेहद संवेदनशील हैं। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इन राज्यों में नारकोटिक्स और हथियारों की तस्करी के साथ अवैध घुसपैठ के मामले भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों में गैर भाजपाई सरकार है, यानी केंद्र के किसी भी कदम पर राजनीति होना तो तय है, लेकिन इन दोनों ही प्रदेशों की सुरक्षा स्थिति ऐसी है कि जिसमें ऐसे सख्त कदमों की जरूरत थी। पंजाब लंबे अरसे से आतंकवाद से पीड़ित रहा। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ, स्मगलिंग और आतंकवादियों को भेजने की कोशिशें की जाती रही। पंजाब में नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों की स्मगलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे BSF को जूझना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में पंजाब बॉर्डर से ही गुरदासपुर और पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादी आए थे। ऐसी स्थिति में BSF को काफी दूर तक जाकर स्मगलरों, आतंकवादियों और घुसपैठियों का पीछा करने की स्थितियां आती रहती हैं। और ऐसी स्थिति में पंजाब जैसे स्टेट जिसमें कि आबादी बहुत सघन है और छोटा स्टेट है, वहां पर थोड़ी सी देर से स्मगलर या आतंकवादी या घुसपैठिए निकल सकते हैं। इसलिए वहां पर BSF को अगर और ज़्यादा अधिकार दिए गए तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा अंदर तक जाकर पुलिस की बगैर मदद के भी कार्रवाई कर सकती है, स्मगलर्स, नारकोटिक्स के स्मगलर्स, आतंकवादियों और घुसपैठियों को पकड़ सकती है। पिछले कुछ साल में पंजाब में आतंकवाद भड़काने की कोशिशें की जाती रही हैं। हाल में ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजने की कई घटनाएं हुई हैं, कुछ घटनाएं पकड़ी गई हैं, हो सकता है कई घटनाएं ऐसी हों कि जिसमें वो कामयाब भी हो गए हों। पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में सीमा जो बांग्लादेश से लगती है वो पोरस है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से होकर भारत में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की जा सकती है और पिछले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों ने पूरे देश में जगह जगह
अपने गढ़ बना लिया। रोहिंग्या शरणार्थी तो जम्मू तक देखे जाते हैं। बांग्लादेशी शरणार्थी पूरे देश में कहते हैं कि करोड़ों की तादाद में है और ये बहुत बड़ी चुनौती है अब उनको ढूंढना और उनको वापस करना। पश्चिम बंगाल में ऐसी बार बार खबरें आती हैं कि डेमोग्राफी तक बदली जा रही है। पश्चिम बंगाल के वो इलाके जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं वहाँ घुसपैठियों ने लगातार आकर बस कर वहाँ की जनसंख्या का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। अब वहाँ पर ज़्यादा तादाद बांग्लादेशी मुसलमानों की है। चूँकि बार बार ये कहा जाता है कि राजनीति में उनका एक खास इस्तेमाल होता है, एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए उस मामले में राज्य सरकार के ऊपर कई बार ये आरोप लगे हैं कि वो घुसपैठ का समर्थन करते हैं और घुसपैठियों को बसने में मदद करते हैं ऐसे नेता जिनको उनको बाद में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना होता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को अधिकार दिया जाना ज़्यादा कारगर और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का जो रेला लगातार आ रहा है उसको रोकना इसमें बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेशी शरणार्थी असम में भी आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं। असम में उनके ऊपर कुछ सख्ती हो रही है, पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उनको घुलना मिलना भी आसान होता है, एक सी भाषा, एक सा पहनावा, एक सा खान पान, और इसलिए वहाँ अगर बीएसएफ को ज़्यादा अधिकार मिलेगा यानी ज़्यादा अंदर तक जाकर वो कार्रवाई कर पाएगी तो घुसपैठ की घटनाओं में भी रोकथाम होगी और घुसपैठियों को पकड़ा भी जाएगा। पश्चिम बंगाल से कैटल स्मगलिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है, यानी देश के दूसरे हिस्सों से मवेशी, खासतौर पर गाय बैल, पश्चिम बंगाल में ले जाए जाते हैं और वहाँ से फिर बांग्लादेश के बॉर्डर में भेज दिए जाते हैं। अगर बीएसएफ के पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास ज़्यादा इलाके में सर्च करने, जब्ती करने और गिरफ्तारी का अधिकार होगा तो उन सीमा से सटे हुए उन इलाकों में जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जो देश भर से लाए गए मवेशी रखे हुए हैं सही वक्त के इंतज़ार में ताकि उनको बॉर्डर पार कराया जाए, उनको जब्त करने और उन अपराधियों को पकड़ने का भी मौका मिलेगा। इसलिए कम से कम पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह बीएसएफ को ज़्यादा शक्तियाँ मिलना कि पहले वो 15 किलोमीटर तक जा सकते थे वो 50 किलोमीटर तक सर्च कर सकते हैं। उसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीएसएफ को इन 50 किलोमीटर में सिर्फ तलाशी लेने, जब्ती करने, एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। उसमें भी गिरफ्तारी के बाद उनको जो भी संबंधित एजेंसी है, चाहे पुलिस हो, एनसीबी हो, कस्टम हो, उनको उस अपराधी को सौंपना पड़ेगा। यही स्थिति सीजर के बारे में होगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो आगे की जांच है, वो हमेशा संबंधित एजेंसियां या पुलिस ही करेगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।